हाउ कैन वी डिटरमाइन द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल विद द हेल्प ऑफ बम कैलोरीमीटर। अपने आज के इस सेशन में हम यही समझेंगे। वेलकम एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अंजलि सक्सेना। आई वेलकम यू ऑल इन दिस सेशन। इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हाउ कैन वी डिटरमाइन द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल विद द हेल्प ऑफ बम कैलोरीमीटर। बम कैलोरीमीटर, जिसकी हेल्प से हम किसी भी सॉलिड या एक नॉन वॉलेटाइल लिक्विड फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इट इज यूज्ड, इसको हम नोट भी कर सकते हैं, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सॉलिड एंड अ नॉन वॉलेटाइल लिक्विड फ्यूल। जबकि जो गैसियस फ्यूल्स होते हैं उनकी कैलोरीफिक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम जंकर्स कैलोरीमीटर यूज करते हैं। अब कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? जब किसी भी फ्यूल का कंप्लीट कंबशन किया जाता है तो टोटल अमाउंट ऑफ हीट जो लिबरेट होती है उसी को हम कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, इसकी यूनिट्स क्या हैं, इसके टाइप्स क्या हैं, थ्योरेटिकली हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और इसकी वेरियस जो भी डिस्क्रिप्शन है वो मैंने अपनी अलग अलग वीडियोज में आपको समझाया है, जिनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो आज हम समझने जा रहे हैं कि बम कैलोरीमीटर की हेल्प से हम किस तरीके से प्रैक्टिकली किसी फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। अब बम कैलोरीमीटर जो यूज होगा वो केवल सॉलिड और नॉन वॉलेटाइल लिक्विड फ्यूल के लिए यूज होगा। आइए समझते हैं इसका प्रिंसिपल। इसका प्रिंसिपल क्या है? बम कैलोरीमीटर इस प्रिंसिपल पर वर्क करेगा कि किसी भी नोन मास ऑफ फ्यूल का जब कंप्लीट कंबशन कराया जाएगा तो उससे जो भी हीट लिबरेट होने वाली है उसको हम नोन मास ऑफ वाटर में एब्जॉर्ब करा लेंगे। जब इस नोन मास ऑफ वाटर में एब्जॉर्ब कराएंगे तो जितनी भी हीट लिबरेट हुई है हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द नोटिंग ऑफ राइजिंग ऑफ टेम्परेचर। हमारे पानी का टेम्परेचर कितना राइज हुआ इसको नोट कर जो हीट एब्जॉर्ब हुई है हमारे फ्यूल ने जो लिबरेट की और वाटर ने जो एब्जॉर्ब की उसको हम कैलकुलेट कर पाएंगे। यही इसका प्रिंसिपल है। इसको एक फॉर्मूले के थ्रू भी समझ सकते हैं। हीट लिबरेट बाय द फ्यूल इज इक्वल्स टू हीट absorbed by water and calorimeter। कितना फ्यूल का हम कंबशन कर रहे हैं ये हमें पता होगा और कितने वाटर में वो हीट एब्जॉर्ब हो रही है जो लिबरेट हो रही है हमारे फ्यूल के थ्रू ये हमें पता होगा। तो इस तरीके से हम इसके कैलोरीफिक वैल्यू निकाल सकते हैं अपने फ्यूल की। आइए बात करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ बम कैलोरीमीटर की। कंस्ट्रक्शन ऑफ बम कैलोरीमीटर। बम कैलोरीमीटर की अगर हम बात करें तो ये तीन पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है। इसका नंबर वन पार्ट अगर हम कहें तो वो होगा स्टेनलेस स्टील कैलोरीमीटर। स्टेनलेस स्टील का बना हुआ एक कैलोरीमीटर होगा जिसको हम रखेंगे एक कॉपर कैलोरीमीटर में। तो यहाँ स्टेनलेस स्टील में हम फ्यूल का कंबशन करने वाले हैं, वो हीट लिबरेट होकर कॉपर कैलोरीमीटर में पानी उपस्थित होगा उसमें एब्जॉर्ब होने वाली है। अब इसके रेडिएशन के थ्रू जो हीट का लॉस ना हो इसके लिए हम इसको सपोर्ट करने वाले हैं एक एयर एंड वाटर जैकेट से।
तो दिस इज ऑल अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ बम कैलोरीमीटर। इसकी कंस्ट्रक्शन को हम एक डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं। तो आइए समझते हैं इसका एक डायग्राम। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि हमारे पास एक स्टेनलेस स्टील का बना हुआ कैलोरीमीटर होता है, एक स्टेनलेस स्टील का बना हुआ कैलोरीमीटर होता है जिसके ऊपर एक टाइटली फिटेड लिड प्रेजेंट होती है, जिसके ऊपर एक टाइटली फिटेड लिड प्रेजेंट होती है। लेकिन ये जो टाइटली फिटेड लिड है, ये इसमें होते हैं दो इलेक्ट्रोड्स के होल होते हैं जिसमें दो इलेक्ट्रोड होंगे स्टेनलेस स्टील के बने हुए, और एक ऑक्सीजन इनलेट वॉल्व होगा। तो ये लिड जो होती है ये इसके साथ होती है। इनमें से किसी भी एक इलेक्ट्रोड पर एक रिंग होती है, ये रिंग सपोर्ट करती है, ये रिंग सपोर्ट करेगी किसी भी निकल की या स्टेनलेस स्टील की बनी हुई क्रूसिबल को जिसमें फ्यूल का कंबशन किया जाएगा, जिसमें फ्यूल का कंबशन किया जाएगा। तो ये स्टेनलेस स्टील की बनी हुई क्रूसिबल है या निकल की बनी हुई क्रूसिबल है। अब इस पर मैग्नीशियम वायर अटैच होता है जिससे कि फ्यूल का कंबशन कराया जा सके, जिससे कि फ्यूल का कंबशन कराया जा सके। तो ये है एक हमारा स्टेनलेस स्टील का बना हुआ कैलोरीमीटर। अब इसको रखा जाता है एक कॉपर कैलोरीमीटर में, इसको रखा जाता है एक कॉपर कैलोरीमीटर में। इस कॉपर कैलोरीमीटर में बैकमैन थर्मोमीटर अवेलेबल है, ये बैकमैन थर्मोमीटर है जो 1/100 तक का टेम्परेचर चेंज को नोट कर सकता है, और एक इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड स्टायरर प्रेजेंट है। ये इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड स्टायरर क्या करेगा, जो कॉपर कैलोरी जो हमारी स्टेनलेस स्टील का कैलोरीमीटर है उसमें जब फ्यूल का कंबशन होगा तो जो हीट लिबरेट होगी उसको यूनिफॉर्मली वाटर में सर्कुलेट कर सके। तो ये एक स्टायरर प्रेजेंट है, और क्या प्रेजेंट है इसमें, और इसमें प्रेजेंट है नोन मास ऑफ वाटर, ऐसा मतलब पानी जिसका हमें पता है कि कितना पानी इसमें प्रेजेंट है। अब ये जो कॉपर कैलोरीमीटर है ये इसमें किस तरीके से रखा हुआ होगा, ये रखा हुआ होगा स्टैंड पर, ये रखा हुआ होगा स्टैंड पर। अब इसको हम सपोर्ट करते हैं एयर जैकेट और वाटर जैकेट से, जिससे कि जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है उससे सराउंडिंग से इसके रेडिएशन को लॉस को बचाया जा सके, प्रिवेंट किया जा सके। एयर जैकेट एंड वाटर जैकेट, एयर जैकेट एंड वाटर जैकेट। तो ये है वाटर जैकेट बाहर और अंदर है एयर जैकेट। इस तरीके से ये पूरा हमारा बॉम कैलोरीमीटर है। यह पूरा बॉम कैलोरीमीटर। अब ये तो हमें समझ में आया कंस्ट्रक्शन, इसकी कंस्ट्रक्शन को हम एक तरीके से इसके नेमिंग के थ्रू भी समझ सकते हैं। दिस इज कॉपर, दिस इज स्टेनलेस स्टील कैलोरीमीटर, दीज आर स्टेनलेस स्टील इलेक्ट्रोड्स, दिस इज निकल और स्टेनलेस स्टील क्रूसिबल जिसमें फ्यूल का कंबशन कराया जाएगा, दिस इज मैग्नीशियम वायर
दिस इज कॉपर कैलोरी मीटर, दिस इज बैकमैन थर्मोमीटर, यह नून मास वाटर, यह एयर जैकेट, एंड आउटसाइड इज वाटर जैकेट। दिस वन इज स्टायरर जो कि इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड है। यह ऑक्सीजन इनलेट वॉल्व, तो ये था डायग्राम बॉम्ब कैलोरीमीटर का। इसकी वर्किंग को समझने के लिए इसकी कंस्ट्रक्शन समझना बहुत आसान है। तो हमारा ये जो बॉम्ब कैलोरीमीटर है ये इस प्रिंसिपल पर वर्क कर रहा है कि हमारा जो भी फ्यूल यहाँ इस में प्रेजेंट है उसका कंप्लीट कंबशन होगा और कंप्लीट कंबशन के बाद जो भी हीट लिबरेट होगी वो इस नोन मास ऑफ वाटर के थ्रू एब्जॉर्ब की जाएगी। और यहाँ पर हम इसका इनिशियल टेम्परेचर और वाटर टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर जो भी होगा इस वाटर का वो हम नोट कर लेंगे और उसको इस बैकमैन थर्मोमीटर से नोट कर लेंगे। ठीक, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड स्टायरर होगा, जो भी हीट लिबरेट होने वाली है वो उसको यूनिवर्सली यूनिफॉर्मली इसको लिबरेट करेगा, सर्कुलेट करेगा इस वाटर में। तो जब हमें कंबशन कराना होगा तो अपने इलेक्ट्रोड्स को हम एक 6 वोल्ट की बैटरी के साथ अटैच कर देंगे जिससे कि क्या होगा, सर्किट पूरा हो जाएगा और हमारे फ्यूल का कंबशन हो जाएगा। जब हम यहाँ पर फ्यूल रखेंगे, यहाँ पर हम फ्यूल रखेंगे तो ये जो हमारे मैग्नीशियम वायर है ये इस पर स्ट्रेच होंगे जिससे कि ये जो हमारी लिड है ये टाइटली फिट हो जाएगी, एयर टाइट हो जाएगी, एयर टाइटली फिट हो जाएगी, जिसको स्क्रू से भी टाइट किया जा सकता है और ये बॉम्ब पूरे तरीके से ऑक्सीजन से फिल हो जाएगा। 25 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर यहाँ पर ऑक्सीजन फिल होगी, कंबशन होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही कंबशन स्टार्ट होगा ये हीट लिबरेट होकर पानी में जाएगी, वहाँ पर हमें पता है कितना वाटर प्रेजेंट है, इसको एब्जॉर्ब कराया जाएगा। एब्जॉर्ब करने के बाद मेरे पानी का इनिशियल टेम्परेचर नोटेड है और जितना मैक्सिमम टेम्परेचर जाएगा उसको हम नोट कर लेंगे। कूलिंग और हीटिंग दोनों साइमल्टेनियस प्रोसेस है तो यहाँ पर इसका रेडिएशन का लॉस ना हो इसके लिए इसको एयर जैकेट, जो कॉपर कैलोरीमीटर है हमारा, उसको हमने एक एयर जैकेट और वाटर जैकेट से सपोर्ट किया है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉम्ब कैलोरीमीटर। ये थी इसकी वर्किंग, आइए समझते हैं कैलकुलेशन। लेट कि जो भी हमने वेट लिया है फ्यूल का जिसका हम कंबशन करा रहे हैं या जिस फ्यूल सैंपल की हमें कैलोरीफिक वैल्यू निकालनी है, तो स्टेनलेस स्टील के जो क्रूसिबल थी, स्टेनलेस स्टील के बॉम्ब में, स्टेनलेस स्टील की क्रूसिबल में जो फ्यूल हमने प्लेस किया वो एक्स ग्राम है। वेट ऑफ वाटर जो हमने कॉपर कैलोरीमीटर में लिया That is capital W gram. Water equivalent of calorie meter is suppose small W. Initial temperature जब हमने अपने फ्यूल का कंबशन स्टार्ट नहीं किया तो जो इनिशियल टेम्परेचर है सपोज वो है T1 डिग्री सेंटीग्रेड, फाइनल टेम्परेचर
62 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, अब हम जो भी निकाल रहे हैं, हम अपने जो प्रोडक्ट कंडेंस हो रहे हैं उनको तो एस्केप नहीं कर रहे, जो प्रोडक्ट कूल हो रहे हैं उनको तो एस्केप नहीं कर रहे, जो भी हीट लिबरेट हो रही है उसको कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जो भी आएगी वो हायर ये ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू आएगी। तो सपोज जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं हायर और ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू को, वो हम एच से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एच कैलोरी पर ग्राम। अब इसको कैसे देख सकते हैं, देखिए क्या बताया था, ये बताया था हीट लिबरेटेड बाय द फ्यूल विल इक्वल्स टू हीट एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर प्लस हीट एब्सॉर्ब्ड बाय कैलोरीमीटर। तो ये होने वाला है कैपिटल एच। हमने ये माना है कि जो हमारी फ्यूल की ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू है वो एच है, तो दिस विल इक्वल्स टू पानी का मास कितना है जो एब्सॉर्ब करेगा और टेम्परेचर में चेंज क्या आया है प्लस कैलोरीमीटर स्मॉल डब्ल्यू इंटू डेल्टा टी। तो इसको हम ये भी देख सकते हैं, कैपिटल डब्ल्यू टी टू माइनस टी वन प्लस स्मॉल डब्ल्यू टी टू माइनस टी वन। तो ये हो जाएगा कैपिटल डब्ल्यू प्लस स्मॉल डब्ल्यू इंटू टी टू माइनस टी वन। अब मेरे फ्यूल का मास कितना था, एच हीट लिबरेट हो रही है बट कितने मास की, एक्स मास की, तो एच विल इक्वल्स टू कैपिटल डब्ल्यू प्लस स्मॉल डब्ल्यू इंटू टी टू माइनस टी वन अपॉन एक्स। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट ग्रॉस और हायर कैलोरीफिक वैल्यू with the help of bomb calorimeter. This is the formula to calculate higher calorific value of a fuel, जिसकी भी हम calorific value निकाल रहे हैं bomb calorimeter के through. एक बार देखते हैं यहाँ पर H क्या है, H is the gross और higher calorific value जो भी मेरे fuel ने combustion के बाद produce की है। कैपिटल डब्ल्यू क्या है, दैट इज द मास ऑफ वाटर जो मेरे कॉपर कैलोरीमीटर में प्रेजेंट है। स्मॉल डब्ल्यू क्या है, दैट इज वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर ऑफ थर्मोमीटर ऑफ बॉम्ब। ठीक, तो क्या है कि जो हीट उसने एब्जॉर्ब की होगी, लिबरेट कर रहा है हमारा फ्यूल, इसने भी तो एब्जॉर्ब की होगी, और टी टू माइनस टी वन है टेम्परेचर में चेंजेस, और एक्स है हमारा फ्यूल का जो भी हमने मास लिया है। अब स्मॉल डब्ल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाए, किसी भी बॉम्ब कैलोरीमीटर जिसकी हम पर्टिकुलर एपरेटस की बात करेंगे उसका जो वाटर इक्विवेलेंट होगा वो फिक्स होता है। तो अगर आपको कोई ऐसा फ्यूल है जिसकी आपकी कैलोरीफिक वैल्यू पता है तो आप पहले उसको इसमें पुट करिए और ये सारी डिटेल्स आपके पास होंगी एक्सेप्ट स्मॉल डब्ल्यू। इस स्मॉल डब्ल्यू को आप निकाल लीजिए, उसके बाद आपको उस बॉम्ब कैलोरीमीटर की स्मॉल डब्ल्यू पता है। अब आप उस सैंपल को प्लेस करिए जिसकी कि आप कैलोरीफिक वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो इस तरीके से आप निकाल लेंगे हायर कैलोरीफिक वैल्यू। लोअर कैलोरीफिक वैल्यू निकालने का वही तरीका है। यहां पर आपने निकाला एच सी वी, सो एल सी वी विल इक्वल्स टू एच सी वी माइनस नाइन इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन इंटू लेटेंट हीट ऑफ स्टीम जो कि 587 कैलोरी पर ग्राम होती है। अगर फ्यूल में हमें अगर हमें दी हुई है सवाल में तो हम वो पुट करेंगे, अदरवाइज 587 कैलोरी पर ग्राम पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा एच सी वी माइनस मास ऑफ हाइड्रोजन परसेंटेज में दिया होता है, तो ये हो जाएगा 0.09 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन इंटू 587 कैलोरी पर ग्राम लिख दूं या किलो कैलोरी पर किलोग्राम लिख दूं, या तो कैलोरी पर ग्राम लिख दें या किलो कैलोरी पर किलोग्राम लिखते हैं।
तो इस तरीके से हम किसी भी फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू डिटरमाइन करते हैं, हायर कैलोरीफिक वैल्यू डिटरमाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ बॉम कैलोरीमीटर, और LCV हम उसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। वैल्यू के मोर एक्यूरेट रिजल्ट पाने के लिए हमें कुछ करेक्शंस को अप्लाई करना होगा अपने इस फॉर्मूला पर जो हमने ये फॉर्मूला लिया है हायर कैलोरीफिक वैल्यू का। देखते हैं वो करेक्शंस क्या है। सबसे पहले करेक्शन की अगर हम बात करें तो वो है फ्यूज वायर करेक्शन। फ्यूज वायर करेक्शन जिसे हम CF से रिप्रेजेंट करेंगे। फ्यूज वायर करेक्शन क्या है, जब भी हमने अपनी निकल क्रूसिबल में फ्यूल का कंबशन किया तो इस कंबशन में ये मैग्नीशियम फ्यूज वायर जो थे, इन मैग्नीशियम फ्यूज वायर का भी कंबशन हुआ जिससे कि हीट प्रोड्यूस हुई और ये हीट इंक्लूड हो गई हमारी कैलोरीफिक वैल्यू में। तो ये वैल्यू एक्सक्लूड होनी चाहिए हमारे फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू से, तो इट शुड बी सब्सट्रैक्टेड। दूसरे अगर हम बात करें फ्यूज वायर के अलावा, जो हमारा दूसरा करेक्शन है वो है एसिड करेक्शन। एसिड करेक्शन जिसको हम CA से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हमारे फ्यूल में नाइट्रोजन और सल्फर प्रेजेंट है, और हाइड्रोजन तो प्रेजेंट होगा ही, तो अगर हमारे फ्यूल में नाइट्रोजन और सल्फर प्रेजेंट है तो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ये अपने ऑक्साइड्स में कन्वर्ट होंगे, जबकि हाइड्रोजन अपने ऑक्साइड वाटर में कन्वर्ट होगा। वाटर की प्रेजेंट में ये ऑक्साइड्स HNO3 और H2SO4 बनाएंगे। नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का बनना एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये जो एनर्जी लिबरेट होगी, प्रोड्यूस होगी, ये भी हमारे फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू में इंक्लूड हो जाएगी, तो इट शुड ऑल्सो बी एक्सक्लूडेड, तो हम इसको भी सब्सट्रैक्ट करेंगे। थर्ड हमारा है कूलिंग करेक्शन। इसको हम CC से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारा जो फ्यूल है जब उसका कंबशन किया जाएगा तो जो कूलिंग और हीटिंग है, हीटिंग एंड कूलिंग दे आर द साइमल्टेनियस प्रोसेस। किसी का अगर रूम टेम्परेचर से ऊपर टेम्परेचर जा रहा है अगर हमारे वाटर का, तो रेडिएशन लॉस के कारण उसके हीट, मतलब हम हायर टेम्परेचर जो रिकॉर्ड होना चाहिए उसको नोट नहीं कर पाएंगे, उससे थोड़ा कम ही नोट कर पाएंगे, तो ये करेक्शन भी ऐड होना चाहिए और इसको हम ऐड करेंगे। अभी तक हमने जो दो ऊपर करेक्शन देखे हैं उनको हमने सब्सट्रैक्ट किया है, जबकि हम इसको ऐड करेंगे। फोर्थ करेक्शन की बात अगर हम करें तो वो है कॉटन थ्रेड करेक्शन। इसको हम CT से रिप्रेजेंट करेंगे कॉटन थ्रेड करेक्शन को। तो ये करेक्शन क्या है, जो निकल क्रूसिबल थी उस क्रूसिबल में मेरे फ्यूल का कंबशन इजीली हो सके इसके लिए कॉटन थ्रेड्स डाल दिए जाते हैं, तो इजीली फायर को कैच कर सकेगा, इजीली कंबशन हो सकेगा उसका। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि इसको भी हमें एक्सक्लूड करना होगा जो भी इससे हीट प्रोड्यूस हुई है। तो अगर हम देखें तो जो हमारे करेक्शंस को अप्लाई करने के बाद ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू का फॉर्मूला आएगा वो होगा HCV will equals to capital W plus small W into T2 minus T1 plus CC cooling correction जो कि add होना है, बाकी सब minus होने हैं। तो मैं एक minus बाहर common ले लेती हूँ और ये हो जाएगा CF, CA, CCT upon X। तो ये हायर कैलोरीफिक वैल्यू है जो कि इन करेक्शंस के साथ इसका जो रिजल्ट मिलेगा वो मोर एक्यूरेट मिलेगा। सो दिस इज किलो कैलोरी पर किलोग्राम। अब जो हमें करेक्शंस दिए हुए होंगे न्यूमेरिकल में हम उनको ही अप्लाई करेंगे। हो सकता है हमें कोई दो करेक्शन दिए हो सकता है हमें कोई एक करेक्शन दिया हो सकता है हमें कोई सारे करेक्शन दे दिए हो। करेक्शन की बात की जाएगी, हम बस उसी की बात करेंगे। अगर कूलिंग दिया है तो हम कूलिंग को प्लस करेंगे, अगर हमें CF और CC दिया है तो फ्यूज वायर को हम माइनस करेंगे और उसको प्लस करेंगे।
तो इस तरीके से हम किसी भी फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए रिकॉल देखते हैं एक बार हमने क्या क्या देखा है आज। हमने सबसे पहले देखा कि बॉम्ब कैलोरी मीटर किस टाइप के फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू निकालता है, ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या है। कंस्ट्रक्शन में हमने देखा कि मेनली ये तीन पार्ट से मिलकर बना हुआ है, स्टेनलेस स्टील बॉम्ब, फिर एक कॉपर कैलोरी मीटर, फिर एयर जैकेट्स एंड वाटर जैकेट। यहाँ पर सबसे अंदर वाले बॉम्ब को प्लेस किया गया कॉपर कैलोरी मीटर में। स्टेनलेस स्टील के बॉम्ब में फ्यूल का कंबशन हुआ और ये कंबशन से जो भी हीट प्रोड्यूस हुई वो नोन मास ऑफ वाटर में एब्जॉर्ब हुई, जो वाटर प्रेजेंट था हमारे कॉपर कैलोरी मीटर में। वहां पर ही बैकमैन थर्मोमीटर और इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड स्टायरर प्रेजेंट था। इस थर्मोमीटर ने टेम्परेचर को नोट किया, जो भी टेम्परेचर में चेंज आया इनिशियल से हायर तक। इसके बाद इसको सपोर्ट किया गया एयर जैकेट और वाटर जैकेट से। साइमल्टेनियसली हमने वर्किंग भी देखी कि हमने नॉन मास ऑफ फ्यूल को यहाँ पे प्लेस किया था, जैसे कि प्रेशर के कारण ये स्क्रू इसके टाइट हो गए, एयर फिटेड हो गया, ऑक्सीजन इनलेट वॉल्व से ऑक्सीजन आई, हमने यहाँ सर्किट कंप्लीट कर दिया 6 वोल्ट की बैटरी से और फ्यूल का कंबशन स्टार्ट हो गया। कंबशन स्टार्ट होने के बाद जो भी हीट लिबरेट हुई वो वाटर में एब्जॉर्ब होगी और टेम्परेचर हम बैकमैन थर्मोमीटर से नोट कर लेंगे। फिर हमने देखा कि इसकी क्या कैलकुलेशन है, वेरियस हमने इसकी कैलकुलेशन देखी, जहां पर हमने ये देख लिया है कि x क्या है, कैपिटल W क्या है, स्मॉल W क्या है, T1 क्या है, T2 क्या है और H क्या है। ये सब अप्लाई करने के बाद जितनी हीट लिबरेट हुई और मेरी जो भी वाटर ने और कैलोरी मीटर ने हीट एब्जॉर्ब की, उससे जो फॉर्मूला निकल के आया वो ये है, हायर कैलोरीफिक वैल्यू का LCV हम निकाल सकते हैं। अगर इसको मोर एक्यूरेसी चाहिए तो इस तरीके से हम ये करेक्शंस अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आप सभी को ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।